सर आपके हिसाब से 2024 में टीचर भर्ती आएगी ना? बिल्कुल आएगी भाई। जूली ठाकुर बोल रहे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गजेंद्र सिंह बोल रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में तीसरी और चतुर्थ, तो बिल्कुल ये वित्त विभाग के पास गया हुआ भाई, तीसरा और चतुर्थ श्रेणी का वित्तीय अनुमति के लिए। निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है किसी भी सरकार के लिए। मैंने कहा है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इस पर रेगुलर भर्ती आपको आने वाले समय में, द्वितीय श्रेणी की भर्ती आपको CGPSC से देखने को मिलेगी और तृतीय श्रेणी की भर्ती आपको व्यापम से देखने को मिलेगी, ठीक है। और टीचर वैकेंसी के बारे में बता दिए। नितिन देवांगन बोले एटीआई रिकिष्टा कॉम। दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापार में। हमने आपको कल ही लाइव में बताया था कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, और देखिएगा आपको आज के ही दैनिक भास्कर में स्वास्थ्य विभाग के संबंध में बताया गया, जहाँ की बताया गया कि 5,000 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती और जून जुलाई में आवेदन आएंगे। मैंने आपको कहा है कि देखिएगा तृतीय श्रेणी की भर्ती व्यापम लेगा और द्वितीय श्रेणी की भर्ती मतलब सेकेंड क्लास की भर्ती PSC लेगा। उसी के संबंध में देखिएगा, अगर हम बात करें चरणबद्ध तरीके से, इसके साथ जो मेडिकल ऑफिसर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, फार्मासिस्ट है, ये सारे पद तो भरेंगे ही। अंबेडकर अस्पताल में जैसे DKS में 125 से ज़्यादा एक्सपर्टों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा बहुत सारे पद जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो अलग अलग जो विभाग है, चाहे वो DME हो या अन्य हो, तो वहाँ पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी स्वास्थ्य विभाग की। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कल जब हमने लाइव लिया था, तो उसमें भी बहुत सारे जो अभ्यर्थियों के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें हमने कहा था कि भैया वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है और उसके बाद फिर इस चरणबद्ध तरीके से इसको शासन अपने स्तर पर लेगा। और एक बहुत बड़ी भर्ती, जैसे मैंने आपको कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है, तो उसी दिशा पर जो है सरकार कार्यरत है। और आपको आने वाले समय में निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कंटिन्यू आपको भर्ती देखने को मिलेगी। राजस्व विभाग में पटवारी हो, RI हो, ACF हो, अधिकतर तौर पर जो है भर्तियां देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, बताने का मकसद यही है कि आप लोग मोटिवेट होइए और मस्त तैयारी करिए, ठीक है। तो वीडियो यही तक, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। साथ में तैयारी ऐसा करिएगा कि कोई भी वैकेंसी निकले, आपका जो भर्ती है वो होना, मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो, ठीक है। चलिए।